नैनीताल के लोक पर्व मां नंदा देवी महोत्सव में लगने वाली मूर्ति के लिए भक्तगण दो कदली वृक्ष लेकर धूमधाम से नैनीताल पहुंचे। मंदिर में घंटियों की मधुर ध्वनि के साथ भक्तों का स्वागत मां नैना देवी मंदिर परिसर में किया गया। तो वहीं नैनीताल में गुरुवार को मां नंदा देवी महोत्सव के लिए कदली वृक्ष लेने टीम आज लौट आई है। टीम का स्वागत शहर के लोगों के साथ स्कूली बच्चों ने भी किया। राम सेवक सभा समिति की तरफ से आयोजित मां नंदा सुनंदा मेले में मूर्ति निर्माण के लिए हर वर्ष अलग अलग तय जगहों का टीमें जाती है। टीम शाम को निकलती है और रात्रि विश्राम के बाद सवेरे पूजा अर्चना और विधि विधान के साथ कदली वृक्ष का चयन कर उसे जड़ से उखाड़ कर ले जाती है। इसे नैनीताल में लोगों के लिए दर्शनों के लिए इसे घुमाया जाता है और फिर मूर्ति निर्माताओं को सौंप दिया जाता है। जो है जो दो साल बाद जो है ये नंदा देवी महोत्सव हो रहा है, तो इस वर्ष हमारा 120वां वर्ष है। और दूसरा जो इस बार उत्साह देखने को मिल रहा है वो बहुत ही अति उत्साह में लोग हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, माताएं भी हैं, बहनें भी हैं, और कुल मिला के देखा जाए तो बहुत एक उत्साह का माहौल यहाँ पर है। ये कोरोना काल में लगातार ये हमारा बहुत सारी यात्रा प्रभावित रही है, लेकिन आज बड़े हर्ष की बात है कि हमारे साथ श्रद्धालुगण तन्मयता से उसी जोश के साथ और उसी लगन के साथ से हर वर्ष धूमधाम से मां नंदा सुनंदा महोत्सव को मनाते हैं। ये राम सेवा कदली के पेड़, कदली का पेड़ ऐसे हम कहते हैं इसको, केले के पेड़, ये इसकी मूर्ति भी बनती है वहाँ जाके। तो ये जो हमारे वहाँ से जा रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, और इसमें गांव का सहयोग और